में कौन कूदता है? पहली बार मैं पापड़ की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पापड़ बन चुके हैं, उनको मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो ये रहा चावल का पापड़, ये देखिए चावल का पापड़ हमने बना लिया था। और ये साथ में ही हमने बनाई है कचरी बनाई है। चावल का पापड़ बनाया है, उसका एक पहले भी हमने बना के रखा था, तो कलर वाला बनाया था और सादा भी बनाया था। तो ये रहा वो पापड़ तो आपको दिखा रहे हैं। हाँ, आलू का पापड़ जो हमने भर के एक टंकी बनाया है, तो ये रही वो बड़ी वाली टंकी, ये रही, और इसमें भर के ये देखिए बनाया है हमने चावल का, अरे सॉरी आलू का पापड़ है, ये पूरा आलू से भरा हुआ है, चिकी का फेवरेट है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल savvy.bee। और आज हमने बनाया चावल के आटे का पापड़। तो एक चम्मच, बड़ा वाला चम्मच, एक चम्मच आटे से हमने लगभग 150 से ज़्यादा ही होंगे उतने पापड़ हमने बनाए हैं। अभी मैं छत पे बैठी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले काफ़ी वीडियो शूट करती थी मैं यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा ही, और जब टिकटॉक चलता था तो मतलब मेरा पूरा दिन बीत जाता था यहीं पर कि मैं सारा टाइम वीडियो बनाने में और उसको अपलोड करने में ही लगी रहती थी, तो मेरा टाइम निकल जाता था। जिस टाइम मैं टिकटॉक पे थी उस टाइम पे भी मेरा यूट्यूब चैनल था, पर इतना ज़्यादा मैं इस पर एक्टिव नहीं रहती थी क्योंकि ऑल टाइम मुझे टिकटॉक में ज़्यादा मन लगता था। और आज जब मैं छत पे बैठी हूँ तो अचानक से ऐसे ही आई थी मैं पापड़ फैलाने के लिए, लेकिन फिर मेरा मन किया कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। और इस टाइम बहुत रुक रुक के मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तो मेरा भी ना कुछ ऐसे ही रहता है कि कभी कभी मन करता है कि बैक टू बैक डालती ही रहूँ, रोज़ के रोज़ डालती ही रहूँ, और कभी कभी ऐसा गैप हो जाता है लंबा कि 5 दिन 6 दिन एक एक हफ्ते एक एक महीने के गैप पे मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। तो कभी कभी ना दिल एकदम ऐसे टूट जाता है कि नहीं अब नहीं करना है, फिर सोचती हूँ नहीं यार अभी से हिम्मत कैसे हार सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ है लाइफ में करना है, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत देते हैं और खुद को, और उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। हिम्मत मैं खुद ही हूँ, कमज़ोरी भी खुद ही को बोलूँगी, क्योंकि बैठी रहूँगी ऐसे ही सोचती रहूँगी और फिर बोलूँगी क्या है लाइफ में कुछ भी नहीं, अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी, छोड़ो जाने दो, फिर मैं फिर खुद ही मेरे को ऐसे आएगा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ये हो, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना होगा। तो फिर उसके बाद खुद को ही मैं मोटिवेट करती हूँ और फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ बिल्कुल, और फिर शुरू हो जाती हूँ कि बात उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मतलब एक दिन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ही किसी की बातें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और काफ़ी सोचती हूँ उसके बारे में, लेकिन फिर उसके बाद मैं खुद को ही समझा देती हूँ कि नहीं, अगर जो बोल रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट कितना है मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट कि उसकी बात मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, तो मैं सोचती यार वो तो कोई है ही नहीं, वो तो मुझे जानता भी नहीं है ढंग से, और ऐसे ही कुछ भी बोल के चला जाएगा तो मैं क्या एकदम दुखी हो जाऊँगी, डिप्रेशन में चले जाऊँगी? फिर नहीं, फिर मैं खुद को ही समझाती हूँ, खुद को ही मोटिवेट करती हूँ और फिर आगे जाती हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं सोचती, क्योंकि जो मेरे खुद के अपने हैं उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया है। तो अपनों का साथ काफ़ी ये मतलब मेरी स्ट्रेंथ रहा है, तो अपनों का होना बहुत ज़रूरी है, पर किसी को ये नहीं बोल सकते कि कौन कितना अपना है, वो तो टाइम ही बताता है। लेकिन अभी तक मैंने ये चीज़ जानी है कि मेरे अपने सिर्फ मेरी फैमिली है, बाकी जो भी मुझे रास्ते में मिलते गए उनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं बन पाया, भले ही मैंने उनके लिए कुछ भी किया हो, एक टाइम के बाद उन्होंने भी मुझे पराया ही फील करवाया है, तो कोई अपना बन नहीं पाया, तो उसके लिए मैं दुखी हूँ, पर कुछ टाइम के लिए होती हूँ, हमेशा नहीं दुखी होती हूँ, क्योंकि यार मैं ये सोचती हूँ कि हर रिश्ते से बड़ी चीज़ होती है लाइफ, भगवान ने एक ही दी है तो उसको वेस्ट क्यों करना, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए, किसी ऐसे रिलेशन के लिए जो मुझे समझता ही नहीं है, मुझे चाहता ही नहीं है, उसकी लाइफ में मैं ज़ीरो हूँ,
तो जिसकी लाइफ में मेरा गिनती बिल्कुल जीरो है, वो मेरी लाइफ में ऐसे इतना बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानती कि जिसके जिसके लिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, कोई अहमियत ही नहीं रखती, वो मेरी लाइफ को इतना इफ़ेक्ट करेगा, मुझे इतना इफ़ेक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं कि लाइफ में कि इंसान को लगता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ, पर उस चीज़ को मैं ना यहाँ तक और यहाँ तक नहीं जाने देती। हाँ थोड़ा यहाँ तक आ जाता है, पर यहाँ पे हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर बुरी चीज़ें आप याद रखते हो तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कि ऐसे लोगों से बच के रहना है, दूर रहना है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे लग जाती है ना, तो फिर वो चीज़ें ना कभी इंसान जो है मतलब भूल ही नहीं पाता है। बैड मेमोरी हो, गुड मेमोरी हो, कोई भी मेमोरी हो, अगर यहाँ पे रखना है तो उसको संभालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और मैं इस चीज़ में अपने आप को खुशनसीब समझूंगी, महादेव की कृपा समझूंगी कि मुझे यहाँ से उन्होंने बहुत मजबूत रखा है। और मैं चाहूंगी कि हर लड़की मजबूत बने, क्योंकि लड़कियों की लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल से भरी होती है, तो अपनों का साथ काफ़ी ज़रूरी होता है, मैं ये बोलूँगी। तो अगर अपने हैं तो समझ लीजिए सब कुछ है। जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, रोको मत। अगर वो आ गया है आपके पास, वापस आ रहा है या फिर आना चाह रहा है, तो ये भगवान का कृपा है, महादेव की कृपा है कि वो वापस आना चाहता है। लेकिन अगर जो जा रहा है मुड़ के आपको देखता भी नहीं है, अभी भाड़ में जाओ, नहीं फ़र्क पड़ता है, जो है उसकी खुशी मनाओ। तो मैं उसकी खुशी मना रही हूँ, और ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। फिर भी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, बस पापड़ बनाया और बकबक कर रही हूँ। तो अभी ये काम मुझे मिल गया है, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये हरा मटर है, ये देखिए। तो नानी के घर गई थी और वहाँ पे जो देसी वाली मटर होती है वो लेके आई हैं, और चाहती है कि इसको कूट के सुखाया जाए, ताकि जब ये मौसम चला जाएगा और फिर इसका नमूना बनेगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। रख देंगे और जब ये सूख जाएगा तो इसको स्टोर करके रखेंगे, और इसके बाद तो जब बनाएंगे तो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे ही हम। मम्मी भी ना ऐसे ऐसे काम दे देती है मुझे, इसे ओखल में कूटना चाहिए था, पर कढ़ाई में कौन कूटता है? मतलब ऐसी चीजें रहती है, मुझे बताने में भी हंसी आती है कि मेरी मम्मी का बच्चन तो जमीन पे भी कूटेंगी। चलिए काम खत्म कर लेते हैं। वैसे मम्मी की हरकतें ना कभी कभी एकदम इरिटेटिंग और कभी कभी बहुत फनी होती है। छत पे, और अब जो हमने कूटी थी हमारी हरी मटर, उसे हम इसमें ऐसे रख के फैला देंगे। मटर जिसे हमें सुखाना है, अब ये सूख जाएगा दो चार दिन में। और ये दोनों पोटलियों में है, दिखाते हैं आपको इसमें क्या है। तो इसमें है धनिया, और इसमें है नहीं, इसमें धनिया है, इसमें सोया है। हो चुका है, मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो ये रहा सोया, ये देखिए, इसे भी पिछले साल की तरह जैसे सुखा के रखा था वैसे इस साल भी, ये देखिए, ये भी सूख गया है। और ये रही धनिया, तो धनिया पिछले साल तो हमने नहीं सुखाया था, लेकिन इस साल हमने सुखा लिया है। तो धनिया ये रही, और ये रहा सोया। तो इसको हम पीस के स्टोर कर लेंगे, और फिर मस्त कचौड़ी खाएंगे, सब्जियों में डालेंगे।